सारे गम पर के ऑडिशन के लिए हो जाइए तैयार। अपना ओरिजिनल गाना गाकर मिलेगा दुनिया में छा जाने का मौका। बिल्कुल एक से एक बारीक की न्यूज मैं आपको बता दूंगा क्योंकि पहला ऑडिशन मैं ही देने वाला हूँ। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है देवाशीष घोष। और फिर से मैं आ चुका हूँ बिल्कुल ताजा खबर लेते हुए। और जैसे कि आप सबको पता है कि जी टीवी सारेगामापा का जो रियलिटी शो जो भी स्टार्ट होने वाले हैं, जिसके ऑडिशंस होने वाले हैं, और ऑनलाइन ऑडिशंस एक्चुअली स्टार्ट हो चुके थे। व्हाट्सएप नंबर, जैसे कि मैं पिछले जो मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाला था उसमें मैंने दो नंबर दिए हुए थे। सारे मैसेज भी आए मुझे इंस्टा में उसके रिगार्डिंग्स, तो सबके डाउट्स क्लियर वगैरह किए मैंने और बहुतों ने ऑडिशंस दिए भी। और इस महीने के एंड तक जो जिन्होंने ऑनलाइन ऑडिशन दिया है वो रिजल्ट उनको मिल जाएगा। और अगर उनको ग्राउंड ऑडिशन भी देना है तो ग्राउंड ऑडिशन भी आ चुके हैं। और सबसे पहला बिल्कुल बात बताऊं तो सबसे पहला ऑडिशन मैं ही देने वाला हूं क्योंकि मैं हूं आसाम से नॉर्थ ईस्ट, और गुवाहाटी में सबसे पहला ऑडिशन होने वाला है जो कि 5 जुलाई। इतना लाइट हो गया ना, बिल्कुल इधर दिखाई नहीं दे रहा, मतलब मेरा स्टूडियो हुआ नहीं है अभी तक कंप्लीट, तो गाड़ी में वीडियो बनाना पड़ रहा है क्योंकि अंदर में भी वो ZTV चल रहा है। ठीक है समरिया, जो डेट्स जो इन्फॉर्मेशन मैं देने आया हूँ बिल्कुल बहुतों को अभी तक मालूम भी नहीं है कि सारेगामापा का ऑडिशंस ग्राउंड ऑडिशंस होंगे या नहीं होंगे, मतलब इसी कन्फ्यूजन में है। तो सबसे पहले बता दूँ गुवाहाटी 5 जुलाई को होने वाला है। ऑडिशंस जो गुवाहाटी के जितने भी हैं और असम से नॉर्थ ईस्ट से जितने भी देख रहे हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये। गुडविन स्कूल, मारुति सर्विस बस स्टॉप, जतिन तामुली पथ नियर अहोम मोटर्स, नेशनल गेम्स मेन स्टेडियम NH 37, ऑपोजिट सारू सजाई, पिन 781040, सारू सजाई स्टेडियम जो है वहाँ पे उसी के ऑपोजिट गोडविन स्कूल है, वहीं होगा ऑडिशन। तो जो भी मैं ये ऑडिशन मैं भी देने वाला हूँ, तो गुवाहाटी के जितने भी हैं आना और हम भी मिलेंगे वहाँ पे, मैं भी जाने वाला हूँ और ऑडिशन देंगे, बिल्कुल मज़ा आने वाला है। और जो ऑडिशंस क्या होता है क्या नहीं वहाँ का सीन भी मैं दिखाऊंगा, और मोस्ट प्रोबेबली व्लॉग आएगा तो वो भी आप लोग देखना। तो सबसे पहला ऑडिशन हम देंगे गुवाहाटी का, और सेकेंड ऑडिशन होने वाला है 8 तारीख को वो कोलकाता। कोलकाता का एड्रेस भी बता देता हूँ मैं, कोलकाता 8 जुलाई, NSHM नॉलेज कैंपस, बसंता लाल साहा रोड, तारा पार्क, कोलकाता। उसके बाद बैंगलोर 11 जुलाई, लखनऊ 13 जुलाई, चंडीगढ़ 15 जुलाई, जयपुर 17 जुलाई, दिल्ली 22 जुलाई, वडोदरा 25 जुलाई, पुणे 27 जुलाई, मुंबई सबसे लास्ट 29 जुलाई। ये रहा बिल्कुल लिस्ट जो है, मैं स्क्रीन में कहीं ना कहीं डाल दूंगा तो आप सभी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बिल्कुल बढ़िया से ऑडिशन दे देना। बहुत लोग अभी कंफ्यूज होंगे कि एज क्या है, एज क्या होने वाला है, क्या लेके जाना है, क्या नहीं लेके जाना है, किस तरह से देना है। मैं आपको यहाँ पे बिल्कुल सटीक जो खबर है, बिल्कुल जेन्युइन जो होता है वहाँ पे, वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। अपना डॉक्यूमेंट लेके जाना आप लोग, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अपना लेके जाना, उसमें आपका नेशनलिटी आपका देखा जाएगा, या तो आधार कार्ड ले लेना, आधार कार्ड में आपका एड्रेस भी होगा और आपका जो डेट ऑफ बर्थ होगा वो भी उसमें देखा जाएगा। 15 साल से ऊपर के ही जाना, 15 साल के नीचे बिल्कुल मत जाना। और 15 साल से, जैसे कि पिछले बार हमने इंडियन आइडल का ऑडिशन दिया था, तो इंडियन आइडल ऑडिशन में क्या हुआ था कि 15 साल से 30 साल तक दिया था, 30+ जो एज है तो उनको क्या किया था ना, गेट से रिटर्न कर दिया था। बताओ क्या मतलब, काफी बुरा लगता है ना, आप लाइन में लगे हो, गेट से रिटर्न हो जाओगे, अच्छा नहीं लगेगा। तो यहाँ पे उन्होंने कोई एज मेंशन नहीं किया हुआ है, तो मैं कुछ बताने नहीं वाला क्योंकि मैंने भी बहुत देखा और उसमें एज बिल्कुल मेंशन ही नहीं है, 15 साल से प्लस एज है। तो आप लोग जितने भी सिंगर्स हैं, जितने स्ट्रगल कर रहे हैं, आ जाओ। और मैं बता ही दूंगा क्योंकि मैं सबसे पहला ऑडिशन देने वाला हूँ, तो बिल्कुल जो भी खबर आएगा बिल्कुल एक से एक बारीक की न्यूज मैं आपको बता दूंगा क्योंकि पहला ऑडिशन मैं ही देने वाला हूँ। उसके बाद सारे ऑडिशन होंगे। तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाना जिसमें आपका आधार कार्ड होगा, पैन कार्ड होगा, नेशनल डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट होने से भी हो गया, स्कूल सर्टिफिकेट होने से भी होगा, और रेसिडेंशियल प्रूफ कुछ भी ले जाना, ओरिजिनल लेके जाना और जेरोक्स कर लेना, ठीक है। और एक पासपोर्ट साइज फोटो कम से कम 5-6 ले जाना, वहां पे कितने चाहिए होंगे पता नहीं, एक ही चाहिए होता है, लेकिन ले जाना 5-6 लेके जाना, पासपोर्ट साइज फोटो लेटेस्ट, ठीक है। ये शो हिंदी में होता है तो हिंदी सॉन्ग्स लेना, हिंदी सॉन्ग गाना,
और हाँ गर्मी बहुत है, गर्मी बहुत है, तो उसी हिसाब से जाना, बिल्कुल प्रिपेयर होके जाना, खाना पीना खा लेना, नाश्ता कर लेना, और एक पेन जरूर लेके जाना, बहुत लिखना पड़ेगा, फॉर्म जो होता है ना बहुत लंबा होता है, बहुत लिखना पड़ेगा। तो यही है जो मैं न्यूज़ बिल्कुल देने के लिए आया, शायद मैं थोड़ा लेट ही हो चुका हूँ। फिर ऑनलाइन ऑडिशन जितने भी दे चुके हैं बहुत बढ़िया, मेरे काफ़ी दोस्तों ने दे चुके हैं, और हमारे, और एक बात बता दूँ, आप लोग सारेगामापा जी टीवी के लिए जो आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप इसी प्रिपरेशन को आगे की ओर कैरी ऑन करिए, क्योंकि इंडियन आइडल भी आ रहा है। और एक बात मैं बता दूं कि आप लोग को अगर कोई फोन आता है, ठीक है, आपको फोन आता है या आपके व्हाट्सएप पे मैसेज आता है, उस पर आप भरोसा मत करना, ठीक है, उसमें भरोसा मत करना, क्योंकि जब तक ऑफिशियल न्यूज नहीं आ जाता है कि ये टाइम क्या होता है, कि बहुत सारे जगह से फोन आएगा और फ्रॉड होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, तो फ्रॉड में मत फंसना बिल्कुल, मतलब सोच समझ के करना बिल्कुल, ठीक है। और हमारे जितने भी दोस्त बंधु हैं, पिछले बार हमने दिया था इंडियन आइडल ऑडिशन में, वो सब भी आ रहे हैं, तो आपको मैंने ये न्यूज़ बता दिया, और अगर आपको ये न्यूज़ अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करना चैनल को, वीडियो को लाइक करना और शेयर जरूर कर देना, इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर देना अपने व्हाट्सएप स्टोरी में लगा के, या कहीं से भी आप इस वीडियो को शेयर कर देना, क्योंकि जो हमारे नए, काफ़ी नए सिंगर्स आते हैं, उनको पता नहीं होता है कुछ भी, तो आप ये मतलब शेयर कर देना ताकि उनको हेल्प हो सके। तो इसी के साथ धन्यवाद, इस वीडियो को इधर ही ख़त्म करता हूँ, ऑडिशन में मिलते हैं, और ऑडिशन में क्या होता है मैं सब कुछ आपको क्लियरली बता दूंगा, टेंशन लेने का नहीं, बिंदास रहने का। ऑल द बेस्ट।